तो दिल्ली यूनिवर्सिटी यूजी एडमिशन जो फेज टू है आज उसकी लास्ट डेट है, तो आपको अपनी जो प्रिफ्रेंस लिस्ट बनानी है वो आज बना के सेव कर देना, आज के बाद वो आप उसमें कुछ भी एडिट नहीं कर पाओगे। काफी बच्चों को यहाँ पर ये प्रॉब्लम फेस हो रही है कि उनको अभी भी जीरो प्रिफ्रेंसेस शो हो रही है, तो उसके कुछ रीजंस हो सकते हैं, उन रीजंस के क्या सोल्यूशन है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, फर्स्ट रीजन हो सकता है कि आपने जो सब्जेक्ट मैपिंग है वो सही तरीके से नहीं की है, क्लास ट्वेल्थ के और सीयूटी टेस्ट के आपने सब्जेक्ट सही से मैप नहीं किए। अगर आपने सही से मैप कर दिए तब भी आपको जीरो प्रिफ्रेंस शो हो रही है तो उसका रीजन हो सकता है जो कोर्स आप करना चाहते हो उनके लिए आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो आप उनके लिए एलिजिबल नहीं हो। आप एक बार अपने जो सब्जेक्ट है वो रीचेक कर ले, तब आपको वहां पर जो भी कोर्सेज है वो सारे शो हो जाएंगे। ये आपका रीजन हो सकता है सब्जेक्ट मैपिंग। दूसरा आपका रीजन हो सकता है आपने उन टेस्ट का, उन सब्जेक्ट्स का टेस्ट ही नहीं दिया सीयूटी में जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए उस कोर्स के लिए मतलब कि बहुत ज्यादा जरूरी थे। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश, जैसे हर कोर्सेज के लिए इंग्लिश बहुत ज्यादा जरूरी है, और अगर आप बीएससी करना चाहते हो या फिर आप अगर कोई ऑनर्स कोर्स करना चाहते हो तो उसके लिए इंग्लिश तो चाहिए, साथ साथ में वो सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स से करना चाहते हो तो पीसीएम आपको चाहिए। तो ये सारे सब्जेक्ट मतलब मिनिमम जो एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया है वो आपका पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है उसको भी एक बार जरूर चेक कर ले। कुछ बच्चे कमेंट ये कर रहे हैं, मैसेज ये कर रहे हैं कि हमारा जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया है मतलब जो सब्जेक्ट्स है वो हमारे पास है, उन्हीं का हमने टेस्ट दिया है तब भी हमको जीरो प्रिफ्रेंस शो हो रही है। तो उसका देखो रीजन हो सकता है मे बी आपका ये टेक्निकल ग्लिच हो सकता है। तो जल्द से जल्द जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल जो हेल्प डेस्क है उसका नंबर मैं यहाँ पर दूंगा, साथ साथ जीमेल आईडी, उसको आप जल्द से जल्द कॉन्टैक्ट करें। किसी भी तरीके की अगर प्रॉब्लम है रिलेटेड टू ग्लिच वो आपकी जल्द से जल्द सही कर दी जाएगी। बाकी आज लास्ट डेट है तो जो भी आपका फॉर्म का जो इतना भी काम रहेगा उसको जल्द से जल्द फिल कर दे। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट बॉक्स में लिख दे या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पर जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो मैसेज कर दें।